ये काम वाली मतलब घर वाली हंस कितनी तेज रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज तो ड्यूठान है, तो आज गन्ने चढ़ेंगे। दो गन्ने तो मैं अभी सुबह सुबह लेकर आया हूँ, टहन लेके लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ मैं। ये रहा गन्ना, पता है गन्ने चढ़ते हैं दूसरों की पूजा, मगर मुझे पता नहीं किस लिए होती, किस चीज़ की होती है, ये मुझे पता नहीं। तो जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता हमारा आ गया, करते नाश्ता। तो गाइस नाश्ता कर चुके, नाश्ता करके मजा आ गया, काफी सुस्ती भरा दिन है। तो गाइस जा रहा हूँ सब्जी वगैरह लेके, ले आऊँ जाकर। मम्मी बोली तहरी बनना है, तो ले आओ जाकर फटाफट। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ठंडी ठंडी हवा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इन मौसम में चाय पकौड़े खाने में बड़ा भी मजा आता है। तो सब्जी तो ले ली भाई की शॉप से, अब चलते हैं। तो सब्जी ले आए, अब घर पर चलते हैं, लेते हैं मम्मी को चल कर। गली में एंट्री ली अपने, रख दी सब्जी ला के, सोया आलू गोभी टमाटर सब कुछ लेकर आया हूँ। सब्जी मम्मी बताए चल के, ये लो सब्जी। मम्मी काटने पीटने की तैयारी शुरू कर दी है। ढेर आलू लेके, मम्मी का आलू कम लग रहा है, फिर मम्मी बेचती बोले जाओ आलू लेकर आओ जाकर, फिर जाना पड़ेगा। फिर आ गए तो ले आए मूली भी, ले आए मम्मी मूली भी बताए थे, तो मूली भी ले आए। ये लो गन्ना ले आया के टाइगर के लिए, तय पीछे बैठे हैं, तो गन्ना ले आया के बड़े भाई के साथ। तो गन्ना रो ले रहा है, निकाल रहा है गन्ना, बढ़िया गन्ने ला के दे दिए ताई जी को। हमने कहा तुम पूजा करो, चढ़ाओ गन्ने। गाइस 12 बज गए हैं और खाना अब आया, हम खाना खाते हैं। गाइस खाना मेरा, तो गाइस खाना खा जाओ, खाना एकदम बढ़िया मज़ेदार था, खा के मुझे मज़ा आया। तहरी में गोभी आलू मटर सोया का साग सब कुछ पड़ा हुआ था, काफ़ी अच्छी थी तहरी। आप लोग भी डाल के बनाए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मम्मी सिलाई कर रहे हैं गद्दे की आज फिर। मम्मी कंप्लीट हुई नहीं सिलाई, कंप्लीट हुई नहीं सिलाई। अरे चूल्हे में क्या हो रहा है, शकरकंदी सिगाड़ो, बोलो ये रखे गन्ने हैं, उबल जाए फिर चटनी के साथ खाएं, चटपटे लगे, मज़ा आता है खाने में शकरकंदी और सिंगाड़े। मम्मी सिंगाड़े निकाल दो, कैसे धुआं निकल रहा है गरम गरम, उबल गए अच्छे। और सिंगाड़े के साथ चटनी तो चाहिए चाहिए, उसका भी इंतजाम हो रहा है, दिखाता हूँ। कंपनी नहीं सॉरी, घर वाली जो है होममेड चटनी पीस रही है। कभी कभी घर वाले को काम वाले लेकर आता है। ये काम वाली मतलब घर वाली हंस कितनी तेज रही है, फटाफट फटाफट। तो गाइस जा रहा हूँ मैं विकास भाई को लेने के लिए, क्योंकि तो छुट्टी उनकी होने वाली है। तो स्कूल आ गया विकास भाई का, तो स्कूल बच्चे निकल रहा है, चलो चलते हैं लेकर विकास भाई को। विकास भाई को तो ले आए हैं, तो गाइस सिंगाड़े आ गए, सिंगाड़े खाते हैं चटनी के साथ। तो मैं देखो गर्मा गर्म मिर्च आलू के चिप्स बना रहे, तो मम्मी तो बना रही हैं पकौड़े, तो मैंने लगा चाय बना लूँ, क्यों अंजलि भी काम कर रही है, मैं चाय बनाऊँ। तो गाइस चाय बना ली गर्मा गर्म चाय, अब पीने जा रहा हूँ पकौड़े खाने जा रहा हूँ। तो गाइस चाय पी चुका हूँ, शाम हो गई है, तो नहा के पूजा कर देता हूँ जाकर। तो गाइस नहा कर आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो गाइस पूजा कर चुका हूँ मैं, अभी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और ये टीका धोखा जो फैल गया है। गाइस जरा हमारा दाल चावल जो हम खा रहे हैं गर्मा गर्म। तो गाइस खाना खा चुके हैं, अब टहलाते हैं खाना खाकर, और ये खाते हैं मूँगफली की कतली। खाना खा के रोज़ टहलना चाहिए, ये सही रहता है। तो गाइस बाहर से मैं टहल के आ चुका हूँ, बाहर भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझको। तो गाइस आज तो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं। मैं नहीं ज़्यादा दिल से क्रिकेट देखता हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी थी, अब मन नहीं होता देखने।
तो गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बजा दें जिससे आपको नई नई वीडियो का अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। मौसी है मेरी, बहुत फ़ोन करती है, बहुत ही सुबह शाम तीनों टाइम कम से कम दो दो तीन तीन बार फ़ोन करती हैं, और कम से कम दो एक टाइम में कम से कम दो तीन बार फ़ोन करती हैं। मम्मी पापा कितनी बात करते हैं समझ नहीं आते क्या क्या बात करते हैं। मैं तो परेशान हो जाता हूँ, घर पर सब परेशान हो जाते हैं।